नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा वैक्सीन के बारे में, जो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था, क्योंकि पिछला वीडियो जो मैंने बताया था उसमें कि मसीरा जो स्पोर्ट क्लब हॉल है वहां पे वैक्सीन खारजियों के लिए फ्री में लगाया जा रहा, तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे सवाल किया था कि क्या क्या है, वो भी बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि ओमान में पिछले 24 घंटों में कितने नए केसेस आए हैं, कितने लोग रिकवर हुए, तो पूरा डिटेल इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले यहां पे बात कर लें वैक्सीनेशन को लेकर, जो कि देखा है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लगातार जो नेशनल कैंपेन चला रखी है एक हिसाब से काफी बेहतरीन है भाई, क्योंकि यहां पे देखा जाए तो प्रवासियों के लिए ही ओमान में जो प्रवासी रहते हैं लगभग 15 से 16 लाख प्रवासी रहते हैं। मेन अगर जो बात करें बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, मेन मेन कंट्रियों की बात करें, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, काफी बड़ी संख्या में ये लोग अपना यहाँ पे जॉब करते हैं। यहाँ पे वैक्सीनेशन कंपेन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ऑलरेडी यहाँ पे देखें तो जो नॉर्थ अलसरकिया गवर्नमेंट है वहां पे स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि देखा तो एक बेहतरीन है। आपको बता दें यहाँ पे कि वो पहला डोज लगाया जा रहा है, सेकेंड डोज नहीं है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने जो मसीरा स्पोर्ट क्लब हॉल है वहां पे लगाया जा रहा सभी खारजियों के लिए, ये तो ध्यान ना, आपका वीजा वैलिड, आपके पास जो आईडी कार्ड है वो वैलिड होना चाहिए, आपका फोन नंबर लगेगा, इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं लगेगा। आप वहां पे पहुंच के अपना वैक्सीन लगवा सकते हो, जो कि काफी बेहतरीन है। एक बार फिर बता दूं पहला डोज लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की अपडेट के बारे में, जो पिछले 24 घंटों में केसेस की अगर जो मैं बात कर लूँ तो फाइनली ओमान में देखें तो दिन ब दिन भाई केसेस की बड़ी संख्या में गिरावट देखी जा रही है, जो कि आने वाले वक्तों के लिए बेहतरीन अपडेट है, क्योंकि स्लोली स्लोली जब केस कम होंगे तो ओमान में स्लोली स्लोली नॉर्मल स्थिति भी आएगी। अभी देखें तो लॉकडाउन चल रहा है, नाइट लॉकडाउन अभी भी चल रहा है ओमान में, नाइट मूवमेंट बैन जो है वो अभी भी रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक रहता है अभी देखें तो, और केसेस की संख्या दिन ब दिन गिर रही। केस की बात कर लें कि ओमान में कितने केस आए हैं तो यहाँ पे 214 नए मामले आए, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में केसेस की संख्या इस समय गिरावट दर्ज देखी जा रही है ओमान में। वही बात करें कि जैसे टोटल केस आज कितना, आज तक ओमान में कितना केस हो चुका है, तो यहाँ पे बता दें 3 लाख, फाइनली ओमान में 3 लाख पहुंच चुका है। 3,408 आदमी अब तक इस पेंडेमिक का शिकार हो चुके हैं ओमान की अगर जो मैं बात करूं आज तक। इसमें रिकवर कितने लोग हुए हैं, जो 3 लाख प्लस केसेस हैं इसमें कितने लोग स्वस्थ हुए हैं उनकी बात किया जाए यहां पे, तो आपकी जानकारी के बजाय 2,88,702 आदमी अब तक इस पेंडेमिक से स्वस्थ हो चुके हैं, जो कि एक बेहतरीन अपडेट है भाई, क्योंकि रिकवरी रेट की बात कर ले यहाँ पे तो काफी बड़ी संख्या में 96%। आप ये समझ सकते हैं कि 100 आदमी में 96 आदमी ठीक हो रहा है, जो कि काफी बेहतरीन अपडेट है। उसके बाद बात करें कि 24 घंटों में कितने लोग एक्सपायर हुए हैं इस पेंडेमिक की वजह से, तो उनकी बात कर लीजिए तो यहाँ पे 6 नए आदमी एक्सपायर हुए 24 घंटों में, जो कि काफी दुखद है। और टोटल की बात कर ले यहाँ पे ओमान में कितने लोग आज तक एक्सपायर हुए हैं, तो यहाँ पे 3,999 आदमी अब तक इस पेंडेमिक की वजह से अपना जान गंवा चुके हैं, जो कि काफी दुखद है भाई, क्योंकि यहाँ पे अब देखें तो इस हफ्ते की बात कर ले तो यहाँ पे एक्सपायरी रेट में भी ओमान में गिरावट देखे, नहीं तो 12-13 एक एक दिन में हो रहे थे। अगर जो आप ओमान में रहते हो तो भाई ओमान सुप्रीम कमेटी का जो भी कायदे कानून है इसको बराबर फॉलो करिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का जरूर से जरूर ख्याल रखिएगा। वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।